ओम शांति मेरे शरीर का नाम राकेश भाई है और मेरा जो पेशा है वो मेडिकल स्टोर है केमिस्ट शॉप है मेरी रायपुरानी में तो परमात्मा को ढूंढने की तो बहुत कोशिश की पहले भी जब ज्ञान में नहीं थे तब भी ऐसी लगन थी कि जो इस दुनिया को चला रहा है जो हमें चला रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक मन में रहता था कि वो क्या चीज़ है ऐसी कौन वो परमात्मा है तो उसको ढूंढते थे कभी देवियों पे जाते थे और जो भगवान शिव के जितने भी तीर्थ स्थान हैं कोई है जो ऐसा नहीं गए सब जगह ढूंढा उसको पर लेकिन जो एक मन को जो संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने पा लिया वो कहीं नहीं मिली बहुत तीर्थ किए हरिद्वार जो नीलकंठ ऋषिकेश गौमुख गंगोत्री ऐसे बहुत से स्थान थे शिव बाबा के जहाँ हम गए पर लेकिन जब वहाँ जाते थे तो कुछ समय के लिए जो मन था वो संतुष्ट होता था कि हाँ कि कुछ मिला है लेकिन वो जो अनुभव था वो कुछ टम्परेरी था और जो मन चाहता था कि वो ऐसा परमानेंट ऐसा कोई अनुभव हो कि जिससे आत्मा संतुष्ट हो पर वो संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही थी तो ऐसे ही जो हमारा पिछला जीवन था उसमें हम जैसे भी जो कलयुगी जो संस्कार हैं जो बुरे खान पान हैं रहन सहन है सोच है उठना बैठना है वो सब थे हमारे में ऐसा कोई वो नहीं था जो हमने नहीं किया हो पर लेकिन फिर भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हर वो काम करते थे कि जिससे आत्मा को परमानेंट कोई ऐसी संतुष्टि मिले कि जिससे मन टिक जाए उसी की तलाश में बहुत कुछ किया पर लेकिन कहीं भी वो संतुष्टि नहीं मिली मन अशांत रहता था कहीं चले गए थोड़ी दिन थोड़ी देर के लिए ही वो शांति थी तो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं भगवान अगर है इस दुनिया में तो वो आस थी कि उसको एक ना एक दिन पाना है उसको ढूंढना है और यही तलाश चलती थी कोई कहीं भी कहता था कि वहाँ है वहाँ जाकर बहुत अच्छा महसूस होता है हम वहाँ गए तो हमने नहीं छोड़ा कि हम नहीं गए क्योंकि वो लगन थी एक परमात्मा को पाने की ऐसे ही जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था तो एक भाई है हमारा जो सेंटर में आता था तभी तभी यहाँ सेंटर खुला था रायपुरानी में तो दीदियों का तो संकल्प रहता है कि भाई आए कोर्स करें आत्माएं बाबा का परिचय लें भगवान के बारे में पता लगे तो उसी रास्ते पर वो चलते हुए उसने मेरे को बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ एक आश्रम खुला है आप वहाँ चलो क्योंकि उसको पता था वो मेरा मित्र था उसको पता था कि ये परमात्मा की तलाश कहीं भी इसको बोल दो कि ये कभी मना नहीं करेगा उसने कह रहा कि आज तुम्हारी तलाश ख़त्म हो गई मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतने सालों से ढूंढ रहे हैं तो आज ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी और वो भी यहीं रहे पुरानी में ही ख़त्म हो जाएगी तो उसने कहा कि हाँ मैंने दुकान पे एक लड़का रखा था तभी तभी उसको पता भी नहीं था मैंने कहा कि चलो आप बैठो तो चलो हम जा के आते हैं देखते हैं परमात्मा को मिल आते हैं कि परमात्मा कैसा होता है तो तब मैं सेंटर गया तो दीदी -दी उस टाइम क्लास करा रही थी शाम का टाइम था तो मैंने क्लास की जैसे ही मैं बैठा ना तो जो पहला अनुभव मेरे को हुआ कि जिसकी मेरे को तलाशती शांति तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितने जन्म का प्यासा था और कुछ समय में ही मैंने मुरली नहीं सुनी पर लेकिन मेरे को जैसे ही मैंने इंटर किया ना तो अंदर जाते ही मेरे को इतनी शांति महसूस हुई कि जो भी मैं ने, जो नेगेटिविटी थी या जो बुरे विचार थे या जो बुरे कर्म थे तो उनको त्यागने का ही संकल्प आया तो मैंने कहा मैं ये क्या सोच रहा हूँ ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं तो ऐसा क्या है यहाँ पे तो क्लास ख़त्म होने के बाद किरण दीदी ने कहा परिचय लिया मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम ये काम करते हैं यहाँ रहते हैं तो दीदी ने कहा कि आपको सात दिन का कोर्स करना पड़ेगा मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं करा दो तो दीदी कह रही आज नहीं कल आना आप मैंने कहा ठीक है तो मैं उस टाइम ही फ्री रहता था चार और पाँच बजे के बीच में तो मैं अगले दिन फिर चला गया तो उस टाइम क्लास चलती थी चार से पाँच तो मैं गया अगले दिन तो मैंने देखा क्लास चल रही है फिर तो मैं फिर बैठ गया तो मुरली सुनी मुरली में बाबा ने कहा कि भक्ति में जो आप मुझे ढूंढ रहे थे मुझे पाने के लिए जो वो था मतलब जो मैं सोचता था जो मैं ढूंढता था बाबा वो मुरली में बता रहे हैं तो मैंने कहा कि ये तो मैं सोचता हूँ तो बा मुरली में कौन है जो मुरली सुनाता है या कौन है जो जहाँ से ये आती है तो मैंने दीदी से पूछा बाद में कि दीदी ये कौन लिखता है मुरली ये कहाँ से आती है तो दीदी ने कहा ये परमात्मा के महावाक्य हैं तो मैंने कहा परमात्मा कैसे लिखता है क्योंकि एक लगन थी जानने की वो सारा प्रोसेस जानने की एक लगन थी कि कैसे परमात्मा आते हैं कैसे हमें बताते हैं कैसे ये मुरली छपती है तो वो सब चीज़ें जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो लगन थी तो दीदी ने कहा कि ऐसे ऐसे एक मधुबन स्थान स्थान है हमारा वहाँ पे भगवान आते हैं तो मैंने कहा तो मेरे को तो फिर मधुबन ले चलो तो दीदी ने कहा कि मधुबन ऐसे नहीं जा सकते पहले आप क्लास करो रूटीन में कई महीने कोर्स करो उसके बाद मधुबन जा सकते हैं तो मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर भगवान से मिलने के लिए इतना सा ही काम है तो कोई ज़्यादा वो मेहनत नहीं है इसमें तो मैंने कोर्स किया कोर्स क्या था जो दीदी का टाइमिंग था वो मेरा टाइमिंग नहीं था तो जैसे ही मैं कोर्स करने के लिए जाता था तो उस टाइम क्लास चलती थी तो वो बाबा की ऐसी दृष्टि रही मेरे ऊपर कि मैंने आज तक कोर्स ही नहीं किया और बाबा ने मुरली में ही मेरे को कोर्स कराया तो मेरे को इतना निश्चय हो गया कि भगवान आए हुए हैं क्योंकि जो महावाक्य सुनते थे हमने कभी सुने ही नहीं पहले कथाएं सुनी हैं सब चीज़ें सुनी हैं तो वो चीज़ नहीं सुनी थी कभी वो बिल्कुल नया ज्ञान था और बिल्कुल अपोजिट था हमारे जो हम भक्ति मार्ग में सोचते थे कि भगवान ऐसा है ऐसा है क्योंकि पहले तो ये भी एक मन में शंका थी कि भगवान है कौन कैसा है क्योंकि कभी कहीं जाते तो भगवान किसी रूप में हमें दिखाई देता था किसी मंदिर में जाते थे तो वहाँ किसी रूप में दिखाई देता था तो फिर वो चीजें समझनी शुरू हुई कि भगवान एक्चुअल में है क्या चीज़ तो जब वो चीज़ समझ में आई तो फिर दीदी ने कहा कि मधुबन चलना है तो मैंने कहा तो बिल्कुल जाना है तो मैं फिर बाबा मिलन में गया पहली बार मधुबन तो मैंने वहाँ जो अनुभव किया मैंने देखा कि ये तो एक स्वर्ग है धरती पर तो वो चीज़ें एक मन में ऐसा घर कर गई कि ऐसे संकल्प लिए क्योंकि मैं जब तक मैंने कोर्स किया जब तक मैं मधुबन नहीं गया तो मैंने कुछ चीज़ें तो त्याग दी थी तो थोड़े बहुत जो विकार थे जो खान पान की जो आदतें थी तो मधुबन में जैसे ही मैं बाबा रूम में गया तो मैंने तभी संकल्प लिया कि नहीं बाबा अगर ये चीज़ें मना करता है तो ये छोड़नी चाहिए तो मैंने वहाँ संकल्प लिया कि छोडूंगा, पर लेकिन उससे पहले कि कुछ स्टेप थे जो खान पान की जो धारणाएँ थी जो मेरे को पता लगी ज्ञान में आने के बाद जो मेरा अनुभव था तो मैंने कहा घर आके कि मेरे को लहसुन प्याज नहीं खाना क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली थी तीन भाई थे हम पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती थी तो घर में कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा हम किस किस का खाना बनाएंगे मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूंगा क्योंकि परिवार वाले भी बहुत परेशान थे उन चीज़ों से जो हम नशे करते थे मैंने कहा मैं सब चीज़ें छोड़ दूंगा पर लेकिन आपको ये देना पड़ेगा मेरे को बना के तो घर वाले खुश हो गए ये तो बहुत अच्छी बात है हमें तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो ऐसे ही वो दिन था और आज का दिन है तो वो धारणाएँ जो बाबा ने बताई वो करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नहीं हो पा रही अब तक उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं दीदी से डिस्कस करते हैं उनके बारे में तो वो चीज़ें भी उम्मीद है कि बाबा उनको भी दूर कर देगा और ज्ञान में जब आए शुरू शुरू में इतनी लगन थी कि बाबा से कैसे मिलें कैसे मिलें तो दीदी ने जैसे योग का हमारा होता है कि योग जो मेडिटेशन है कि उससे हम कैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है कैसे उसमें जो शक्तियाँ हैं परमात्मा की वो हम कैसे लेते हैं वो सब मेरे को इतना था कि कैसे वो चीज़ें लें हम तो मैं दिन में तीन, तीन तीन बार जब भी मेरे को दस मिनट पंद्रह मिनट का समय मिलता था तो मैं दीदी के पास पहुंच जाता था तो मैं दीदी से पूछता था कि आप मेरे से परेशान तो नहीं होते दीदी कह रही नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो मैं पूछता था हर मेरे इतने क्वेश्चन थे कि योग कैसे लगाएं हम यहाँ बैठे हैं हम कैसे वहाँ जाएँ तो दीदी भी अलग अलग जो एग्ज़ाम्पल दे हमें बताती थी तो योग में दीदी ने इतना निपुण कर दिया कि वो कैसे हम जो हम घंटों में भी अनुभव नहीं कर सकते थे वो कैसे हम मिनटों में सेकंडों में अनुभव करते हैं बाबा का और जो शक्तियाँ हैं बाबा की वो कैसे हम अनुभव करते हैं तो वो चीज़ें ज्ञान में आने के बाद इतनी क्लियर हुई कि कैसे इन आत्माओं का पार्ट है इतना दुखी रहते थे हम कि ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है परिवार में ऐसा हो रहा है बाहर ऐसा हो रहा है तो जो वो चीज़ें थी तो ज्ञान में आने के बाद पता चला बाबा ने जो ड्रामा का पार्ट बताया उसमें इतना निश्चय हो गया कि ये सब का पार्ट है हम बदल नहीं सकते हमें अपने आप को बदलना है और उस दिन से जब खुद को बदलना चेंज किया तो पहले गुस्सा बहुत था छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता था झगड़ा कर लेते थे तो उन चीज़ों से हमने पार पा लिया और बाबा के अनुभव इतने हुए कि शुरू में जब ज्ञान में चले जैसे बाबा मुरली में कहता है कि मैं गोद में उठाता हूँ मैं हाथ पकड़ के चलाता हूँ वो हर अनुभव किया बाबा का कि कैसे वो हमें चलाते हैं तो वो अनुभव आज तक शायद हमें चला रहे हैं कई बार जब कुछ नहीं कर पाते तो दिल सिकित भी हो जाते हैं पर लेकिन जो बाबा के अनुभव हैं वो याद आते हैं तो फिर हिम्मत मिलती है और बाबा ने हमें कैसे संभाल के रखा है जब हम देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और हम कैसे सेफ़ हैं आज के इस युग में भी जो इतना आधुनिक युग है इसमें भी हम कितना सेफ बाबा ने बिठा रखे हैं बाबा ने गारंटी की है कि हम कभी भी जो लोगों को ये एक कहीं ना कहीं शंका रहती है कि हम अगर नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे हमारे बच्चों का क्या होगा लेकिन बाबा ने इतना निश्चिंत किया हुआ है कि कभी भी भूखा नहीं मरने दूंगा। तो वो सारी बातें जब बाबा की याद आती हैं बाबा के जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों को जब याद करते हैं तो ये जीवन जो है वो जीना एक बहुत सरल हो जाता है जो हम कहते हैं कि जीवन बहुत कठिन है वो बहुत एक सरल लगता है और बाबा की मदद हर कदम पे महसूस होती है बाबा तो कहता है कि आप मुझे जितना अनुभव करना चाहते हो आप कर सकते हो जितना मुझसे लेना चाहते हो ले सकते हो वो हमारे पर डिपेंड है कि हमारा जो पात्र है वो कितना बड़ा है क्योंकि बाबा तो सागर है हर चीज़ में जैसे शांति का है मेरे को शांति की इतनी तलाश थी तो जैसे ही मैं सेंटर गया था तो मैंने वो चीज़ अनुभव की जब बाबा कहता है कि मैं शांति का सागर हूँ सुख का सागर हूँ तो वो चीज़ें जब अनुभव की तभी पता लगा कि वो वाकई में ही सागर है हम अब तक शायद नदियों पे घूम रहे थे या तालाब पे घूम रहे थे लेकिन जब सागर में आए सागर से मिले तो वो सब जो जीवन की जो अधूरी इच्छाएं थी वो सब पूरी कर दी बाबा ने और हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हैं दस साल के छः साल के गुड़िया है तो वो उनको भी बाबा से इतना प्यार है कि वो कोई भी फंक्शन हो बाबा का वो मिस नहीं करते और वो दूसरे बच्चों को भी बताते हैं जैसे आत्मा परमात्मा का परिचय है मैं उनमें वो देखता हूँ जो मुझे लगन थी भगवान कैसा है तो उनके भी वो ही क्वेश्चन हैं कि पापा भगवान कैसे होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं कैसे मिलते हैं मतलब इतने क्वेश्चन हैं बच्चों के कि कई बार हम उनके आंसर भी नहीं दे पाते शायद हमने भी वो कभी दीदी से नहीं पूछे थे क्वेश्चन जो वो हमसे पूछते हैं तो उनकी भी लगन है वो बाबा जो हमने बाबा रूम बनाया हुआ है वहाँ बैठते हैं बाबा को भोग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि होती है कि जो बाबा ने हमें रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर हमारे बच्चे भी चल रहे हैं और मेरा तो सभी भाई बहनों से एक यही विनती है या आग्रह है कि जो हमने पाया है जो खुशी हमने पाई है वो हर कोई पा सकता है लेकिन इच्छा होनी चाहिए पाने की भगवान आया है वो प्रेम का सागर है सुख का सागर है जिसको आज तक हम ढूंढ रहे थे वो आया है वो अपने वादे के अनुसार जो हमने आज तक हम गीता में सुनते थे कि भगवान वादा करता है कि मैं आता हूँ तो वो आते हैं ये सिर्फ़ वादे भगवान के ऐसे नहीं हैं वो उसने पूरे किए हैं और वो पूरे किए हैं तो हम तभी उनको महसूस कर सकते हैं जब हम आएंगे जब हम समझेंगे क्योंकि दुनिया में बहुत घूमे हैं लेकिन जब पाना है उसको तो फिर एक संकल्प ये भी लें कि जो हमें कोर्स कराया जाता है पाँच दिन सात दिन का हमें सेंटर पे उसको ज़रूर करें क्योंकि तभी पता लगता है कि क्या परमात्मा है कैसे कौन है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं तो वो सब चीज़ें जानने के लिए सेंटर पे जो हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वो कहीं भी है हर डिस्ट्रिक्ट में हर ज़िले में हर जो गांव है बहुत सेंटर हैं कहीं से भी आप वो कोर्स कर सकते हो और इसमें कोई बाध्य नहीं है कि आपको डेली आना है आप कुछ समय एक दिन छोड़ के जैसा भी आप समय अनुसार कर सकते हो वो ज़रूर करें ओम शांति